हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन के अंदर अगर डिवीजन के क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वाई इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी। ठीक है, तो यू अपॉन वी डिवीजन में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स वाई का डेरिवेटिव, उसके बाद d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर में है उसको आपको पहले एक लाइन मार लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसको आपको पहले लिखना है, फिर dy वाई बाई डी एक्स जो न्यूमिनेटर में उसको u, उसके बाद माइनस जो इधर हुआ है डेरिवेटिव वो यहाँ पर लिखना है। अभी किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, डिनोमिनेटर मतलब v का नहीं हुआ, तो आप v लिख दीजिए, और डिनोमिनेटर में क्या है v है तो v का स्क्वायर कर दीजिए। ये आ गया आपका डिवीजन रूल। क्या है देखिए, सबसे पहले आपको v बाहर रखना है डिनोमिनेटर वाला, उसके बाद डेरिवेटिव करना है ऊपर वाले का, फिर जो ऊपर वाला जो जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको आपको बाहर रखना है, और डेरिवेटिव करना है आपको जो नीचे है मतलब जो इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ है, सेम प्लस वाला ही है, बस आपको यहाँ पर माइनस लगाना है और अपॉन में क्या रखना है, स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर, उसके बाद डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला बाहर रखना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई। इस तरह से हम ये डिवीजन वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली रख देता हूँ, सबसे पहले कॉस एक्स आएगा, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर, ऊपर से कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स डायरेक्ट लिखा यहाँ पर प्लस हो गया अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अभी ऊपर क्या देखिए, हमारे पास दो कॉस है दो साइन है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन होता है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन लिखा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन को क्विट कर सकते हो, अगर और आगे करना है आपको तो और आगे भी कर सकते हो, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, आप चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो, बट आपको और अगर आता है तो आप आगे तक भी जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।